हाय फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन हमें याद करने में बहुत दिक्कत होती है। उसी में से एक कवि हैं देव कवि, रीतिकाल के देव कवि। इनकी भी रचनाएं ढेर सारी हैं। वैसे तो इनकी 72 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जो पूछी जाती है और जो किताबों में मिलती हैं वो लगभग यही सब हैं। और इनको आज हम इतनी बेहतरीन ट्रिक से समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे कि आप लोगों को यहीं पर क्लास में ही याद हो जाएगा। तो देव की रचनाओं को हम देखते हैं। देव की रचनाएं जो देव कवि हैं, आप सभी को पता है कि ये रीति काल के कवि हैं। और कैसे कवि हैं? रीति कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे कवि? रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी जो रचना है विलास वाली पहले देख लेते हैं। विलास से इनकी विलास से संबंधित कितनी है? एक और लिख लेते हैं, रस विलास है। ये कौन सी है? रस विलास। विलास से इनकी कितनी है? 5 रचनाएं हैं। विलास की कितनी है? 5 रचनाएं हैं। पहली है भाव, भाव इसको ऐसे याद करते हैं, भाव भवानी कुशल जाति रस। भाव भवानी कुशल जाति। भाव भाव किसमें है? भवानी में है। और भवानी कैसी है? सबकी कुशल जाति है, वो जाति होती नहीं देखती है उनके अंदर क्या है, रस है। भाव भवानी कुशल जाति रस। भाव भवानी कुशल जाति रस, बस याद हो गया। आप लोग भी ऐसे कर लीजिए, भाव भवानी कुशल जाति रस। भाव भवानी कुशल जाति रस, इसको आप कई बार बोल देंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा है देव के नाम से। देव अपने नाम से रचना लिखते हैं, देव चरित, देव शतक, देव माया प्रपंच, फिर है शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग। देव चरित इसको कैसे याद रखेंगे? जो देव हैं वो अपने बारे में लिखते हैं, हालांकि इसमें देव का वर्णन नहीं, इसमें कृष्ण का वर्णन है। लेकिन ट्रिक हमारी जो है वो क्या है, देव कौन, देव क्या करते हैं? अपने बारे में लिखते हैं। और कितना लिखते हैं? शतक लगा देते हैं। देव चरित लिखते हैं अपने बारे में और क्या करते हैं? शतक लगा देते हैं। फिर क्या होता है उनका प्रपंच? सब लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, देव माया प्रपंच कहने लगते हैं कि देव बड़ा ही प्रपंची है। फिर कैसे करते हैं? शब्दों के माध्यम से करते हैं। और काव्य में शब्द या काव्य रसायन। फिर क्या होता है? सुख सागर तरंग और प्रेम तरंग हो जाता है। वो देव किसी की बात को नहीं ध्यान देते हैं, वो क्या करते हैं? सुख तरंग में और प्रेम तरंग में रहते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा, देव अपने बारे में लिखते हैं, देव चरित कितना लिखते हैं? शतक लगा देते हैं, देव शतक। फिर क्या होता है? सब लोग क्या करते हैं? देव माया प्रपंची है, देव माया मायावी है, देव माया प्रपंच। इसके बाद कैसे करते हैं? शब्दों के माध्यम से, शब्द काव्य में करते हैं, शब्द को काव्य में करते हैं, शब्द काव्य रसायन हो गया। फिर वो ध्यान नहीं देते, सुख सागर तरंग और प्रेम तरंग में विलीन रहते हैं। इसके बाद तीसरी नंबर की जो रचनाएं हैं वो है अष्टयाम, राग रत्नाकर, प्रेमचंद्रिका, सुजान, विनोद। अष्टयाम आठों पहर का वर्णन है। तो आठों पहर क्या करते हैं? राग रत्नाकर में लिप्त रहते हैं। क्यों? प्रेम चंद्रिका और सुजान के साथ। किसके साथ? आठों पहर राग रत्नाकर में प्रेम चंद्रिका और सुजान सागर के साथ क्या रहते हैं? लिप्त रहते हैं। याद रख लीजिए, आठों पहर राग रत्नाकर में और प्रेम चंद्रिका सुजान के साथ क्या रहते हैं? ये लिप्त रहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया हो, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। भाव भवानी कुशल जाति रस। भाव भवानी कुशल जाति रस। भाव भवानी कुशल जाति रस। देव चरित अपने बारे में लिखते हैं, देव चरित, फिर शतक लगा देते हैं। फिर क्या होता है? देव सब पाप प्रपंची कहने लगते हैं, देव माया प्रपंच है। किसके माध्यम से? शब्द और काव्य के माध्यम से। वो ध्यान नहीं देते हैं। फिर क्या होता है? सुख सागर और प्रेम तरंग में वो लीन रहते हैं। फिर आठों पहर राग में और प्रेम चंद्रिका सुजान के साथ वो लिप्त रहते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा। इसी तरह मेरे और सारे वीडियो आते रहेंगे, और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, सपोर्ट मिले। धन्यवाद।